जीवन के शब्द, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। मती का सुसमाचार यीशु के जीवन के एक ऐसे घटना के बारे में बताता है जो हमें शायद महत्वहीन लग सकता है, कि माँ और अन्य रिश्तेदार कैपरनम आए थे जहाँ यीशु शिष्यों के साथ रह रहे थे और पिता के प्रेम का प्रचार कर रहे थे। यीशु के रिश्तेदार शायद उससे खोजने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके थे। वे उससे बातें करना चाहते थे। वे लोग सीधे उस जगह नहीं गए जहां यीशु प्रचार कर रहा था, बल्कि उन्होंने यीशु को संदेश भिजवा दिया, आपकी माँ और भाई आपसे बात करने के लिए बाहर खड़े हैं। इज़राइल के लिए परिवार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरे इज़राइल को ईश्वर की संतान और वारिस समझा जाता था। इसके अलावा वे एक दूसरे को भाइयों और बहनों के रूप में मानते थे। लेकिन यीशु ने एक अप्रत्याशित दृष्टिकोण रखा। उन्होंने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यीशु ने एक नए दृष्टिकोण का खुलासा किया कि कोई भी व्यक्ति पिता की इच्छा को जानने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहता हो वो इस परिवार का हिस्सा बन सकता है। कोई भी हो, वयस्क या बच्चा, पुरुष या महिला, स्वस्थ या बीमार, हर संस्कृति और सामाजिक स्थिति का कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति ये प्रेम की छवि में बना है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर द्वारा बना है, जिसके कारण वह ज्ञान और दोस्ती के रिश्ते में प्रवेश कर सकता है। इसलिए कोई भी ईश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है जो ईश्वर के लिए प्रेम सीख ले प्रेम रखता है। अगर हम प्रेम करते हैं तो यीशु हमें अपने परिवार, अपने भाइयों और बहनों के रूप में पहचानता है। यह इतना बड़ा अवसर है कि यह हमें आश्चर्यचकित करता है। यह हमें अतीत से हमारे और चीजों को देखने के हमारे तरीके से हमें मुक्त करता है। इस दृष्टिकोण की वजह से हमारी सीमाएं और कमजोरियां हमारा लॉन्चिंग पैड हो सकती है, जो हमें पूर्ण संतोष और गुणात्मक छलांग की ओर प्रेरित करती है। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। एक निश्चित तरीके से हम भी यीशु की माता बन सकते हैं, जिस तरह मरियम कलवारी पर और फिर चर्च के जन्म के समय तक की योजना की पूर्ति के लिए उपलब्ध रही, हम भी सुसमाचार को जीकर अपने आप में यीशु को जन्म और पुनर्जन्म दे सकते हैं। और हमारा परस्पर प्रेम हमें समुदायों में यीशु की उपस्थिति को जन्म दे सकता है। एक अवसर पर संस्थापक क्यारा लुबिक ने परमेश्वर के वचन को जीने के लिए उत्सुक लोगों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा, एक परिवार बनो। क्या आपके बीच ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक या नैतिक परीक्षण कर रहे हैं? एक माँ की तरह या उदाहरण के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करो। उन्हें परिवार की गर्माहट की कमी न होने दो, बल्कि इसे बढ़ाओ। क्या आपके बीच ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से पीड़ित हैं? वे हमारे पसंदीदा भाई बहन होने चाहिए। उन भाई और बहन के साथ परिवार की भावना के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कभी न करें। जहां कहीं भी आप मसीह के आदर्श को लाने के लिए जाते हैं, वहां विवेक लेकिन ठोस विश्वास के साथ एक परिवार की भावना को जन्म देने का बेहतर प्रयास करें। यह एक विनम्र भावना है जो सभी के लिए शुभ सोचता है। यह गर्व नहीं करता, यह सच्चा दान है। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता।
पिता ने हम में से प्रत्येक को जो कार्य सौंपा है हम उसे रोजमर्रा के जीवन में खोज सकते हैं ताकि एक महान मानव परिवार का निर्माण कर सकें। सीरिया के होम्स में एक पड़ोस है जहां 150 से अधिक जालिम बच्चे स्कूल के बाद एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की इमारत में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। निदेशक सैंड्रा ने कहा, हम शिक्षकों और विशेषज्ञों की एक टीम है और हमारा उद्देश्य स्वागत और समर्थन के पारिवारिक माहौल को बना। हमारा काम बातचीत और मूल्यों को बढ़ावा देने पर आधारित है। बहुत से बच्चे आघात और पीड़ा से प्रभावित हैं, कुछ उदासीन हैं, अन्य आक्रामक हैं। हम उन विश्वास और दूसरे में उनके विश्वास का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। कई परिवार जिन्हें बहुत नुकसान हुआ है या युद्ध के कारण अलग हो गए हैं, यहाँ उन्हें फिर से जीवन शुरू करने की उम्मीद और बल मिलता है।